दलजीत और ऋषभ तो एक साथ मिलने का उनका कोई फंडा है नहीं, मतलब दे ऑलरेडी यार इट्स अ ग्रेट सेट, इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर, दे हैव ग्रेट एक्टर्स टू वर्क विद, सम सुपर्ब कलीग्स एंड बच्चे हैं, एंड उन बच्चों की वजह से एक अलग किस्म की एनर्जी है, स्पेशली ट्विंकल एकाग्र छोटा सा है, बट ऑल द किड्स एंड एवरीवन एक्चुअली हैव गॉट ग्रेट एनर्जी एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब, यहाँ पर काम करने में बहुत मज़ा आता है, एंड या दैट्स अबाउट इट, इट्स अ गुड सेट. Thank you. So we would like to know about your show. काफी ज़्यादा tweets आ रहे हैं दिन पे दिन. तो आगे ऐसे viewers को क्या नया देखने मिलेगा? यार अभी तो फिलहाल recently जो episodes में हुआ है वो दलजीत को सारा सच पता चल गया है कि how her husband died in the same accident in which Janhvi had died, my wife. So वो काफी time से छुपा हुआ था और वो सच सामने आ गया. अब नाउ शी इज़ नॉट अग्रींग टू यू नो, मुझे माफ़ नहीं कर रही हैं वो. सो नाउ अब ये मेरी कोशिश चल रही है किसी तरह मैं माफ़ी पा लूँ, और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, एंड एक और ट्विस्ट भी आने वाला है, बट मैं वो आपको बता नहीं सकता, फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा. दलजीत और ऋषभ तो एक साथ मिलने का उनका कोई फंडा है नहीं, मतलब दे ऑलरेडी इवेंचुअली मिलेंगे शायद, और ना भी मिले मैं कुछ कह नहीं सकता है, वो तो आप पर ये खड़ी हुई है आदिति यहाँ पर, वो बताएंगे कि मिलेंगे नहीं, बट ये पता चल गया है कि मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रहा था, और ऋषभ को भी समझ आ गई है, दलजीत को भी समझ आ गई है. सो होपफुली इन द फ्यूचर जल्दी ना मिले तो अच्छा है. यार इट्स अ ग्रेट सेट, इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर, दे हैव ग्रेट एक्टर्स टू वर्क विद, सम सुपर्ब कलीग्स एंड बच्चे हैं, एंड उन बच्चों की वजह से एक अलग किस्म की एनर्जी है, स्पेशली ट्विंकल एकाग्र छोटा सा है, बट ऑल द किड्स एंड एवरीवन एक्चुअली हैव गॉट ग्रेट एनर्जी एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब, यहाँ पर काम करने में बहुत मज़ा आता है, एंड या दैट्स अबाउट इट, इट्स अ गुड सेट. I just want to say thank you so much. It's been so many years and you've given so much love to me. I'm really thankful. Bahut bahut shukrgozar hu main. 19 saal ho gaye, and because of that love I am still here, and I would request ke aap